पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच जारी है। आज सीबीआई की जांच का चौथा दिन है, जहां जांच एजेंसी की ओर से आरोपियों के रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी और गुरुवार को सीबीआई ने घंटों तक आरोपियों के परिवार से पूछताछ की थी। इसके अलावा अब इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट का भी इंतजार है। चारों आरोपी अभी जेल में हैं, लेकिन सीबीआई की टीम ने उनके परिवार से पक्ष जाना है। आज सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी, जहां मुख्य फोकस आरोपियों के रिमांड पर लेने पर है, ताकि उनसे पूछताछ की सके। इसके अलावा अभी पीड़ित की मां और भाभी से सवाल होने बाकी हैं। वहीं गुरुवार को सर्वोच्च अदालत में पीड़ित के परिवार की सुरक्षा पर भी सुनवाई हुई, जिसमें वकील की ओर से दिल्ली में केस का ट्रायल कराए जाने की मांग की गई। साथ ही सीबीआई की रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को जमा करने की बात कही गई। फिलहाल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और हाथरस से हमारे संवाददाता सूरज मौर्य एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, एसआईटी आज जांच अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो सीबीआई जांच कर रही है, अभी तक उस जांच में किन किन लोगों से पूछताछ हो चुकी है और आज सीबीआई किन किन लोगों से पूछताछ करने जा रही है? जी बिल्कुल, सीबीआई की जो पूछताछ है वो जो पीड़िता है उसके भाई, दोनों भाइयों से, पिता से पूछताछ सीबीआई कर चुकी है। वहीं कल जो है आरोपी, जो चारों आरोपी हैं, लवकुल, संदीप, रामू और रवि, उनके परिवार से ना एसआईटी ने, वो सीबीआई ने, सॉरी माफ कीजिएगा, सीबीआई ने करीब 3.5 घंटे की पूछताछ जो है उनके घर पर बैठकर लगातार उनके घर पर सीबीआई पड़ी रही, जिसके बाद सीबीआई ने अलग अलग तरीके से उनसे पूछताछ की। सीबीआई के जो जितने भी ना अधिकारी थे वहां मौजूद थे और सीमा पहुजा जो उसकी इंचार्ज है वो भी वहां मौजूद थी। लगातार उन्होंने अलग अलग बैठा कर जितने भी परिवार के लोग हैं उनसे, आरोपियों के परिवार के लोगों से पूछताछ की और परिवार के लोगों से सिर्फ ये जाना कि ये घटना जो हुई थी वो किस तरह हुई थी। उन्होंने जो भी बयान दिया वो अपनी जगह था, अगर लेकिन सीबीआई जो है वो सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी। अगर ना संदीप का मोबाइल जो अहम भूमिका निभाता है, वो मोबाइल सीबीआई अपने साथ लेकर गई है। कुछ संदीप की मार्कशीट जो है वो साथ में लेकर गई है। लवकुश के घर से सीबीआई जो वो खून से सने हुए कपड़े वो लेकर गई है। लगातार सीबीआई की जो पूछताछ है वो परिवार से, आरोपी परिवार से होती रही है। वहीं सीबीआई ने ये भी, सीबीआई की जो बात सामने निकल कर आ रही है, जो परिवार के लोग हैं वो उनसे लगातार इसलिए पूछताछ कर रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ और अंश ना जो है, जो ना तथ्य जोड़े जाए, सबूत जुटाए, जिससे जो सही जानकारी है वो सामने निकल जाए। एसआईटी की टीम की अगर बात करें तो एसआईटी की जो टीम है वो अलग तरीके से जांच कर रही थी और एसआईटी का जो जांच का दायरा था वो सीबीआई के आने के बाद कम हो गया था। एसआईटी जो है वो पुलिस कर्मी और जो सरकारी विभाग है उनसे जुड़े हुए लोगों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की अब जो पूछताछ है वो पीड़ित परिवार की माँ और बेटी से होनी है, जो बहन है, भाभी है, उनसे होनी है, जो और भी परिवार के लोग हैं घर में उनसे पूछताछ होना बाकी है। हो सकता है सीबीआई आज जो परिवार, पीड़ित परिवार है, उसकी बेटी की माँ से और उसकी भाभी से पूछताछ करे। जी जी सूरज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।